जितेंद्र सिंह। हाँ, मेरे पापा ऐसे वॉचमैन हैं और मम्मी टेलरिंग का काम करती है, सिलाई। और बड़ा भाई फुटबॉल खेलता है, छोटा भाई भी, और सिस्टर ऐसे एक जॉब करती है। हम लोग ऐसे तो उत्तराखंड के हैं, लेकिन पापा कोलकाता में काम करते थे, तो दादाजी का तबीयत बहुत ख़राब रहता था, तो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कोलकाता आए। तब क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, तो ग्राउंड पे गए, लेकिन क्रिकेट तो बहुत पैसे वाले का गेम है, तो बड़े भैया ने फुटबॉल ज्वाइन कर लिया, तो उसको देख के मैंने भी खेलना स्टार्ट किया। नहीं, स्कूल में स्पोर्ट्स नहीं था और स्कूल जाता भी नहीं था ज़्यादा दिन मेरा गेम रहता था ना, ऐसा टूर्नामेंट से स्कूल जाता नहीं। बहुत खुशी है फुटबॉल चूज़ किया। मम्मी का, भाई का, छोटा भाई, पापा, सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, और ऐसे तो कोई रोक नहीं है कि मत खेल, ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी लोग बोलता था, जो तू करेगा हम लोग तेरे साथ हैं, बस मन से कर जो भी करेगा। जब एक टूर्नामेंट था कोलकाता में, तब बेस्ट प्लेयर मिला था, वो एक मेडल था। बहुत कुछ सीखा, पहले हम लोग एक नॉर्मल प्लेयर जैसे थे, कुछ पता नहीं था डिसिप्लिन के बारे में, वो क्या क्या कैसे खाना खाना चाहिए एक प्लेयर को। इधर आके डिसिप्लिन, टाइमिंग, उसके बाद फूड और कैसे प्रोफेशनल रहना चाहिए, बहुत कुछ सीखने मिला। मेरा ज़िंदगी वो लोग से तो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैं एक अच्छा जगह में हूँ, अच्छे स्टेज पे हूँ, तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है अच्छे लोगों के संग में, तो वो लोग को वो सब तो नहीं मिलता। बहुत बड़ा प्लेयर बनना है और अपने सीनियर टीम के लिए खेलना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, ये तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लोग को, ये शो करने के लिए कि हम लोग कितना अच्छे हैं।